मयूरेश, आपने देखा होगा कि डाबर में एक 800 करोड़ की ब्लॉक डील हाल ही में प्रमोटर्स ने की है। रेड्डी साहब, आप लेके आइए डाबर का स्टॉक प्राइस एक महीने का, और आप लेके आइए एवरेडी का स्टॉक प्राइस एक महीने का। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को शायद ये बात नहीं मालूम है कि एवरेडी के भी ओनर्स अब डाबर फैमिली हो गई है, और वहां पे खेतांस निकल गए। तो डाबर तो ऊपर से नीचे आया है, ऑब्वियसली ब्लॉक थी, बाजार में हवा लग जाती है ब्लॉक की, और ब्लॉक हो गया, स्टेबलाइज हो गया, 571 से 77 पे बंद हुआ है। एवरेडी मीनवाइल, जैसे जैसे डाबर के प्रमोटर्स एवरेडी में स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं, 43% पे है करीब करीब स्टेक उनका। खबर ये आ रही है कि शायद जब से ये ब्लॉक हुआ है, बाजार में ये समझ आ गई है कि कहीं ऐसा मानना है बाजार का, सही है गलत है नहीं पता, लेकिन बाजार का मानना है शायद डाबर प्रमोटर्स ये पैसा कहीं इसमें स्टेक बढ़ाने के लिए तो ना इस्तेमाल करें। अगर नहीं भी है ये, उसके बाद बावजूद डाबर के प्रमोटर्स एवरेडी को टर्न अराउंड करने में लगे हुए हैं। एवरेडी का चार्ट देखिए, लास्ट एक साल का ऑलरेडी चला है थोड़ा, लेकिन अभी 2-3 हजार करोड़ में कंपनी मिल रही है। डाबर फैमिली 50-50 हजार 1 लाख करोड़ की कंपनी चलाते हैं, तो लोगों का ये मानना है शायद ये रीरेटिंग कैंडिडेट ओवर द लॉन्ग टर्म। लेकिन हाल ही में मयूरेश, एवरेडी ने 2026 तक अपने टॉप लाइन को डबल करने की बात की। आपने पढ़ा इसके बारे में, पढ़ा है? आपका क्या व्यू बन रहा है एवरेडी पे, जिस हिसाब से वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिकल जैसी बड़ी कंपनी बनना चाहते हैं, हैवल टाइप की? गुड मॉर्निंग अजय जी, एंड गुड मॉर्निंग टू एवरीवन ऑन द पैनल एज वेल। दो चीजें आई थिंक स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एवरेडी। एक आई थिंक जो फ्लैशलाइट्स मार्केट में इनकी एक लीडरशिप पोजीशन है, जो ये कैपेसिटीज बढ़ाने की एक क्षमता रखते हैं, और जो एक्सपेक्टेशन है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू पोटेंशियल, जो ये आय में एक ग्रोथ देख रहे हैं अगले कुछ वर्षों में, आई थिंक एक प्रोग्रेसिव और एम्बिशियस टारगेट सेटिंग है इन माय ओपिनियन, जो हर एक मैनेजमेंट करता है। दूसरा, आप ये देखें कि द एग्जिस्टिंग सिनेरियो ऑफ फ्लैश लाइट्स एंड ट्राई सेल्स, बहुत एग्जिस्टिंग, बहुत कम ऐसी कंपनीज है लिस्टेड स्पेस में, लिस्टेड स्पेस में काफी कंपनीज है, बट बिकॉज ऑफ GST कंप्लायंसेज, और जो आई थिंक एक तो चेक्स लग रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्पेसिफिकली डंपिंग फ्रॉम चाइना एंड अदर साउथ ईस्ट एशियन इकोनॉमीज एज वेल, यहाँ पे आई थिंक जो कैपेसिटीज आज एवरेडी बिल्ड कर रही है, वो मुझे लगता है एक कॉम्पिटिशन के ऊपर स्टैंड आउट रहेगी ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। तीसरा, आई थिंक इन टर्म्स ऑफ नंबर्स इटसेल्फ, नंबर्स काफी वेरी कर रहे हैं एवरेडी के, एंड वी प्रॉब्ली सीन दिस इन द पास्ट, जिसका परफॉर्मेंस एक स्टॉक प्राइस पे बिल्कुल दिखता है। कंसिस्टेंसी इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, और जो हम उम्मीद लगाए बैठते हैं इन टर्म्स ऑफ ओवरऑल कैश फ्लोज एंड मार्जिन प्रोफाइल, इसपे हमेशा दिक्कतें रहती है बिकॉज ऑफ मार्केट साइकल्स। मुझे लगता है आई थिंक इंडस्ट्री ठीक है, कैपेसिटीज बढ़ा रही है, शायद लीडरशिप पोजिशन कर ले, बट अर्निंग्स अभी भी मुझे लगता है थोड़ी वीक साइड पे ही रहेगी। कॉम्पिटिशन अभी भी तगड़ी है, और इसलिए मुझे लगता है रिटर्न रेशियोज भी थोड़े ओवर ही रहने की उम्मीद का बना करें। इंस्टीट्यूशन होल्डिंग भी बहुत ज्यादा है नहीं, जैसे हम ओनियर पैरामीटर्स पे ट्रैक करते, क्योंकि अभी तक इंस्टीट्यूशंस को इतना कॉन्फिडेंस आया नहीं इन स्पाइट ऑफ द लीडरशिप पोजीशन एट दिस पॉइंट टाइम। तो हमें लगता है आई थिंक ट्रेडिंग मूव्स बिल्कुल मुमकिन है, फंडामेंटल री रेटिंग के लिए अभी कुछ समय लगेगा। मयूरेश, एक कल मौका मिला मैक्स फाइनेंशियल में, 75 लाख शेयर का एक ब्लॉक आया, पूरा एब्जॉर्ब हो गया, करीब 688 का लो बना स्टॉक में, अभी भी 690 पे मिल रहा है। लास्ट टाइम जब ये ब्लॉक हुआ था तो 660 वाला 720 एक हफ्ते में हुआ था। क्या ये मौका दे रहा है वापस 690 पे एंट्री लेनी चाहिए? मयूरेश, आप वैल्यूएशन कैसे देखते हैं? नहीं, तो जैसे एक हम स्टैकअप कर ले इंश्योरेंस प्लेयर्स को अजय जी, तो मुझे लगता है आई थिंक जो एक रेवेन्यू ग्रोथ आई थी मैक्स फाइनेंशियल्स की, जो फर्स्ट ईयर प्रीमियम है उसमें डिक्लाइन देखे मिला था, और इसलिए आई थिंक जो टोटल ग्रॉस रिटर्न प्रीमियम था वो हायर सिंगल डिजिट्स के आसपास आया था पिछले तिमाही में। दूसरा, जो VNB मार्जिन है वो मैनेजमेंट मान के चल रही है कि 28 से 29% के आसपास रखने की ये कोशिश करेंगे, और ये बिल्कुल मुमकिन हो सकता है क्योंकि नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रोटेक्शन, ये दोनों प्लान जिसके मार्जिन अच्छे होते हैं वो अच्छे खासे ग्रो हो रहे हैं, और शेयर ऑफ यूलिप हैज एक्चुअली स्टूड स्टडी। तीसरा, आई थिंक जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है बहुत अहम होता है, और इसलिए आई थिंक जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क और चैनल पार्टनर्स की हम ये बात कर रहे हैं, यहाँ पे अच्छी खासी हम ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिसके वजह से जो ऑपरेटिंग रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम शुड बी अराउंड 15.5-16%। हाउएवर, आई थिंक ऑन दी ओनली लेंस EPS और RS रेटिंग थोड़े वीक लग रहे हैं। विद इन द स्टैकअप, इफ आई हैव टू स्टैकअप मैक्स, SBI, HDFC एंड ICICI प्रू,
at least from a structural perspective, earnings perspective, OPEX to overall cost perspective, SBI Life का सबसे कम है at 6-7% including commissions. VNB margins काफी अच्छे हैं. Distribution network is one of the best in the industry at this point of time. और जो plans है in terms of the product mix is getting highly skewed towards high value net margin businesses as well. मुझे लगता है आई थिंक थोड़ी आर स्ट्रेंग यहाँ पे भी कम है, पर अगर 5-6% और यहाँ से आ जाते हैं अराउंड एक एक प्राइस मूव स्टार्टअप के हिसाब से एंड बोथ फ्रॉम एन एम्बेडेड वैल्यू एंड रिटर्न ऑन एम्बेडेड वैल्यू पर्सपेक्टिव एसबीआई लाइफ शायद द टॉप ऑफ द स्टैक रहेगा. आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ जैन में या फर्स्ट 10 डेज में इनके रिजल्ट भी आएंगे और उम्मीद ही बन रही है कि शायद रिफाइनिंग जो कमजोर था वो घूम गया है. आपका क्या व्यू है, कैसा रिजल्ट हो सकता है इस बार? तो अजय जी आई थिंक नंबर्स ठीक ठाक रहेंगे अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपैरिजन करें तो जो तीन मेन बिजनेस सेगमेंट्स है जीआरएम्स में हमने एक अच्छा खासा सुधार देखने मिला है क्योंकि जितने भी क्रैक्स है दे आर प्रॉब्ली इन फेवर बिकॉज ऑफ द मल्टीफीड जो रिलायंस के पास रहती है. तो मुझे लगता है जीआरएम्स में एक जो सुधार हमेशा रिलायंस पोस्ट करता है एंड विद जीआरएम्स जंपिंग बैक टू नॉर्मलाइज लेवल से एक अच्छा खासा वहां पे परफॉर्मेंस आएगा. दूसरा आई थिंक जो कोर बिजनेसेस है जो रिटेल ओरिएंटेड बिजनेसेस जो लगभग 45-50% एबिट का कंट्रीब्यूशन करती है जियो में हमने देखा ही है इन टर्म्स ऑफ आरपू इंक्रीजेस और आरपू इंक्रीजेस आने की हम अपेक्षा रख रहे हैं ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स विच बेसिकली मीन्स दैट कैश फ्लो इंप्रूवमेंट काफी तगड़ी होगी. रिटेल जिस हिसाब से अधिग्रहण कर रहा है हाची एक अधिग्रहण हुआ है मेट्रो कैश एंड कैरी का और जो नए ब्रांड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इन इंडिपेंडेंट नेटवर्क एज वेल जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन हो रहा है और जो डिजिटल प्रोसेसेस ये बाइंड कर रहे हैं सारा प्रोसेस मुझे लगता है ये सारी चीजें रिटेल को भी एक अच्छे स्पेस में रखेगा और मुझे लगता है ओवरऑल परफॉर्मेंस इवन ऑन द रिटेल फ्रंट शुड बी वेरी वेरी गुड. जहां तक ऑयल एंड गैस का सवाल है आई थिंक ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑन एन एसओटीपी बेसिस या सम ऑफ पार्ट्स का कॉन्ट्रीब्यूशन वैसे ही बहुत कम होता है बट कहीं ना कहीं आई थिंक वहां पे भी एक स्टेबल परफॉर्मेंस की उम्मीद है. तो मुझे लगता है सारे फैक्टर्स कंबाइंड टुगेदर एक अच्छे परफॉर्मेंस के इंडिकेशन दे रहे हैं और इसलिए आई थिंक एक पॉजिटिव ट्रैक्शन जो है स्टॉक में दिख रहा है. ठीक है, ये तो आरआईएल के ऊपर बात हो गई. एक बार सिटी यूनियन बैंक को लेके आइए जरा. सिटी यूनियन बैंक में 250 करोड़ के कुछ किसी एक ब्रांच में सिटी यूनियन बैंक हाँ इसके अंदर कुछ 250 करोड़ का मामला निकला था. उस चक्कर में स्टॉक की अच्छी पिटाई भी हुई है. मयूरेश, आपने स्टॉक को देखा, आपने क्लैरिफिकेशंस देखे? क्योंकि कुछ लोगों का मानना है कि पूरा प्रोवाइडेड था, उनके साइज ऑफ द लोन बुक के आसपास छोटा है. कैसे देखते हैं आप, लेना चाहिए जो मिल रहा है इस समय 180 के नीचे? तो अजय जी आई थिंक जो डेवलपमेंट हुई है इन टर्म्स ऑफ डाइवर्जेंस जो आरबीआई ने ढूंढा है उसका एक इम्पैक्ट सीधे सीधे तौर पे एसेट क्वालिटी पे आएगा. जो मैनेजमेंट ने एक इंडिकेशन दिया था एसेट क्वालिटी नंबर्स को लेके वहां पे आई थिंक जीएनपी में शायद एक 0.4-0.5% की एक बढ़ोतरी देखने मिले. प्रोविजन आई थिंक ठीक ठाक है तो आई थिंक जो एक्सेस प्रोविजनिंग रहेगी इन टर्म्स ऑफ दिस डाइवर्जेंस इज नॉट मोर देन 40-50 crores. तो इस हिसाब से देखना चाहिए कि जो इन्होंने एक फ्यूचर फोरकास्ट दिया था जीएनपी ट्रेजेक्टरी का सेकंड हाफ के लिए वो थोड़ा सर्कमस्पेक्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द डाइवर्जेंस दैट इज प्रॉब्ली कम. थोड़ा जो रिकग्निशन बैलेंस शीट पे करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा प्रोविजनिंग करनी नहीं पड़ेगी 40-50 crore. तो इन दैट सेंस आई थिंक बहुत ज्यादा कैश फ्लोज और प्रॉफिटेबिलिटी पे इसका इंपैक्ट नहीं आएगा. बट कहीं ना कहीं आई थिंक ये फैक्टर एक हेडविंड बन के बनेगा रहेगा स्टॉक के लिए. और दूसरा जो इनके एमडी साहब है करंट एमडी साहब इनको आरबीआई से मंजूरी की अभी भी आई थिंक नॉड मिली नहीं है. तो क्या वो नॉड मिलती है नहीं मिलती ये भी एक ओवरहैंग बन के रह जाता है. तो ये दोनों फैक्टर शायद ओवरहैंग बन के रहेंगे स्टॉक के ऊपर. तो शायद जो एक नीचे रिएक्शन कल हमने देखी थी उसके बाद एक शायद रेंज बाउंड ट्रेड में रहे जहां तक जब तक ये क्लैरिफिकेशन और नंबर्स क्वार्टर के नहीं आते तब तक.